तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजा कुमार और आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवांस टेक राजा। तो आज की इस वीडियो में आपसे को बताने वाला हूँ कि आप कोरल ड्रॉ में इस तरह का फिंगरप्रिंट कैसे डिजाइन कर सकते हो, जैसा कि अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो। तो अगर आप भी चाहते हो इस तरह का फिंगरप्रिंट डिजाइन करना अपने कोरल ड्रॉ में, तो आज की इस वीडियो में बने अंत तक। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिंगरप्रिंट डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एलिसिव टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको F7 प्रेस करेंगे तो आपका एलिसिव टूल सिलेक्ट हो जाएगा। और ये सिलेक्ट करने के बाद सिंपली भी आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करना है और इस तरह से आपको कुछ इस तरह से सर्कल बनाना है, जैसा कि मैं यहाँ पे भी बना रहा हूँ। तो इस तरह से बनाने के बाद आपको कुछ इस तरह से माउस से छोड़ देना है, तो ये आपका सर्कल बन के तैयार हो जाएगा। तो ये बनने के बाद अभी आपको यहाँ पे पिक टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको साइज जो है वो आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है 120 और नीचे भी आपको टाइप करना है 120। और ये टाइप करने के बाद सिंपली भी आपको अपने कीबोर्ड में इंटर प्रेस करना है। तो जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो साइज है वो अभी बन के तैयार हो चुका है। तो इतना होने के बाद अभी आपको इस सर्कल को कुछ इस तरह से सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी प्रेस करना है और उसके बाद कंट्रोल वी प्रेस करना है। तो जैसे आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये सर्कल कॉपी होकर पेस्ट हो जाएगा। तो ये पेस्ट होने के बाद अभी आपको यहाँ पे साइज में आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है 10 और नीचे भी आपको यहाँ पे टाइप करना है 10। और ये टाइप करने के बाद अभी आपको फिर से अपने कीबोर्ड में इंटर प्रेस करना है। तो जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सर्कल बन के आएगा, नीचे अभी आप देख सकते हो। तो इतना होने के बाद अभी आपको यहाँ पे शेडो टूल पे कुछ इस तरह से क्लिक रखना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक रखेंगे तो आपके सामने ये बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे तीसरे या चौथे नंबर पे दिख जाएगा ब्लेंड का ऑप्शन, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से सर्कल के ऊपर ले जाके आपको कुछ इस तरह से मूव करना है। तो यहाँ पे मूव करेंगे और इसे माउस को छोड़ देंगे तो ये कुछ इस तरह से डिजाइन हमारा बन जाएगा। तो ये होने के बाद अभी आपको यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 10 टाइप है। तो आपका अगर 5 है यहाँ पे तो सिंपली आप यहाँ पे 10 टाइप कर देंगे। तो ये भी 10 टाइप होने के बाद अभी आपको यहाँ पे पिक टूल को सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर इसे राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखेगा ब्रिक ब्लेंड अपार्ट, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है या फिर आप कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे ब्लेंड अपार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये क्लिक करने के बाद अभी आपको फिर से इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखेगा अनग्रुप ऑल, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सभी अभी हमारा ग्रुप से बाहर हो जाएगा। तो इतना होने के बाद अभी आपको फिर से पिक टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको तो ये जो सर्कल है यहाँ पे आपको 6 सर्कल को कुछ इस तरह से सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले सर्कल सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस करना है और यहाँ से आपको 6 सर्कल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ये दूसरा, उसके बाद ये तीसरा और यहाँ पे चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ये आपको कुछ इस तरह से 6 सर्कल को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। और ये सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पे पिक टूल को कुछ इस तरह से मूव करेंगे और राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से छोड़ देंगे तो इसका एक कॉपी बन जाएगा। तो इस कॉपी को हम यहाँ पे साइड में रख लेते हैं और ये साइड में रखने के बाद अभी आपको इस वाले पर्सन को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, अपने पूरे एरिया को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। और ये सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल क्यू प्रेस करना है। तो कंट्रोल क्यू प्रेस करने के बाद अभी आपको यहाँ पे शेप टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको इस वाले पर्सन को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इस वाले पर्सन को आपको कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ब्रेक कर्व, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन बन के आएगा। तो यहाँ पे आपको अपने कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस करना है। तो जैसे आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ का जो एरिया है वो डिलीट हो जाएगा और फिर से आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आपको इस वाले पर्सन को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे दोनों पर्सन को, और ये सिलेक्ट करने के बाद सिंपली अभी आपको फिर से डिलीट बटन प्रेस करना है। तो जैसे आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारा अभी डिजाइन बन के तैयार हो चुका है। तो इसको हम यहाँ पे साइड में रख लेते हैं और इस वाले पर्सन को कुछ इस तरह से पकड़ के हम यहाँ पे लाएंगे। और ये लाने के बाद अभी आपको फिर से कंट्रोल क्यू प्रेस करना है और कंट्रोल क्यू प्रेस करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे शेप टूल को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे वाला जो एरिया ये आपको कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। और ये सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे ब्रेक कर्व वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस करना है। तो जैसे आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा अभी इस तरह का एरिया था वो अभी डिलीट हो जाएगा। और ये डिलीट होने के बाद फिर से आपको यहाँ पे नीचे वाले पर्सन को कुछ इस तरह से सिलेक्ट करना है और फिर से आपको अपने कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस करना है। तो जैसे आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारा भी डिजाइन बन चुका है। तो ये डिजाइन बनने के बाद अभी आपको यहाँ पे पिक टूल को सिलेक्ट करना है और इसे कुछ इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ पे कुछ इस तरह से अपने अनुसार इसे मैच करवा देंगे। और यहाँ पे आप लेफ्ट राइट का जो एरो होता है अपने कीबोर्ड में, आप यहाँ पे इसे मैच करवा देंगे कुछ इस तरह से। और ये मैच होने के बाद अभी आपको यहाँ पे इन दोनों को कुछ इस तरह से सिलेक्ट करना है और ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वेल्ड का एक ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। तो वेल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कुछ इस तरह से बन के आएगा, इसे आप जहाँ कहीं भी मूव करेंगे आप ये दोनों साथ में मूव करेगा। तो इतना होने के बाद अभी आपको यहाँ पे इलेसिव टूल पे कुछ इस तरह से क्लिक रखना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो करेगा 3-point इलेसिव, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से माउस ले जाना है, तो यहाँ पे आपको नोड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिंपली आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे कुछ इस तरह से लाइन खींचना है। और इस साइड जब तक आपको यहाँ पे नोड ना लिखा है
तो आपको कुछ इस तरह से मूव कराना है। अगर आपका नोड लिखा है तो आप इसे कुछ इस तरह से छोड़ देंगे, और ये छोड़ने के बाद अभी आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करना है और इसे नीचे छोड़ देंगे तो ये कुछ इस तरह से सर्कल हमारा भी बन जाएगा। और ये सर्कल बनने के बाद अभी आपको कुछ इस तरह से ऐसे क्लिक करना है, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अभी हमारा सर्कल बन जाएगा। और ये सर्कल बनने के बाद अभी आपको यहाँ पे क्रॉप टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखेगा वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे इरेजर जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पे बाहर में जो लाइन है ये आपको कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको कुछ इस तरह से डिलीट कर देना है एक एक करके, तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो ये अभी डिलीट हो चुका है, तो सिंपली आपको यहाँ पे पिक टूल को सिलेक्ट करना है और इस वाली लाइन को कुछ इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये अभी हमारा जो नीचे वाला जो पार्ट था वो डिलीट हो जाएगा। तो इतना होने के बाद अभी आप फिर से यहाँ पे क्रॉप टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको इस इरेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे कट लगाना है, जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, आपको भी कुछ इस तरह से कट लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पे पूरा कट लगा दिया है। तो ये कट लगाने के बाद अभी आपको यहाँ पे फिर से पिक टूल को सिलेक्ट करना है और इसे आपको कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। और ये सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा आउटलाइन पेन का, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आप लाइन का जो विड्थ है वो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, तो मैं यहाँ पे 0.75 mm करके देखता हूँ। तो जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन अभी मोटा हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी अच्छा लगे आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो फिलहाल मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कौन सा लाइन यहाँ पे लगाना है। तो अभी आप ये देख सकते हो कि मेरा जो फिंगरप्रिंट का लोगो है वो बनके तैयार हो चुका है। तो आप भी इसी तरह से अपने कोरल ड्रॉ में इस तरह का फिंगरप्रिंट डिजाइन बना सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको पता चले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।